जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं PGDCA के बारे में, पूरी डिटेल में A to Z में आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये आप चार्ट देख सकते हैं, इसके माध्यम से एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। यानी कि PGDCA को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सबका आंसर आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों बात करते हैं PGDCA के बारे में। तो सबसे पहले फुल फॉर्म की ही बात करते हैं। तो फुल फॉर्म लगभग सभी को पता होता है, क्या होता है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी कि एक ये क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। किसमें? कंप्यूटर एप्लीकेशन में। किसमें भैया? कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो ये तो हो गई सिंपल सा जो इसकी फुल फॉर्म। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को हम किस किस मोड में कर सकते हैं। मोड बोले तो रेगुलर, प्राइवेट, डिस्टेंस, ओपन, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो साथियों आप इसको रेगुलर में भी कर सकते हैं और आप इसको डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको डिस्टेंस में भी कराती हैं, जैसे आपका स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी है जो कि मेरठ में है, वो इसको डिस्टेंस में भी कराती है, आप वहां से भी कर सकते हैं। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम यदि हम डिस्टेंस से करते हैं तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगा? 110% वैलिड होगा, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको वो लोग कर सकते हैं जो आपका वर्किंग में है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो डिस्टेंस से ही कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि इसकी ड्यूरेशन की, कि इसका ड्यूरेशन क्या है। तो साथियों इसके जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 1 ईयर, 1 साल का ये आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है आपका कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। यानी कि ग्रेजुएशन आपने, चाहे वो आप ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कुछ भी आपने किया हुआ है, तो आप पीजीडीसीए कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% होने चाहिए या आपके 55% होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज यदि आप ग्रेजुएशन में पास हैं तो भी आप पीजीडीसीए कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, कोई जो आपका नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जाम जरूर कंडक्ट कराती हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज मेरिट के बेस पर एडमिशन लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में आप डायरेक्ट जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, डिस्टेंस में आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आगे बात करें इसकी फीस की। तो फीस आपका जो इसकी फीस होती है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, यानी कि जैसी यूनिवर्सिटी है उसी टाइप की इसकी फीस होती है। जो इसकी मिनिमम फीस है वो आपकी 10,000 रुपए से लेकर और मैक्सिमम फीस इसकी 80,000-90,000 रुपए तक इसकी फीस रहती है। अब जो मेन पार्ट है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्शन, यदि आप पीजीडीसीए करते हैं तो आप इसको कहां कहां पर लगा सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, पीजीडीसीए करने का आपका बेनिफिट क्या होगा। साथियों पीजीडीसीए के लिए आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि अभी राजस्थान में लगभग 11,000 वैकेंसी आई हुई है शिक्षक के लिए, उसमें क्या मांगा गया है, या तो आपने पीजीडीसीए किया हुआ हो, या आपने बीसीए किया हुआ हो, या फिर आपने एमसीए किया हुआ हो, या फिर आपने बीटेक सीएससी किया हुआ हो, तो आप उस भर्ती को कर सकते हैं, या फिर आपने पीजीडीसीए किया हुआ हो। तो साथ ही वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यदि आपने ग्रेजुएशन बीए भी किया है तो आपने यदि 1 साल का पीजीडीसीए डिप्लोमा कोर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जहां पर, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। जहां पर भी ओ लेवल काम करता है, यानी कि ओ लेवल की डिमांड होती है, वहां पर आपका पीजी डीसीए भी आपका इक्विवेलेंट ही होता है। यदि आप ओ लेवल मांगा गया है, यदि आपने पीजीडीसीए किया हुआ है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी जगह ये आपका इक्विवेलेंट ही माना जाता है। अब इससे आगे बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसके लिए जो करियर ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। यदि आपने अपनी अच्छे से पीजीडीसीए कंप्लीट करी है, रेगुलर मोड में करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, एंड्रॉइड डेटाबेस, यानी कि
बहुत सारी फील्ड है कंप्यूटर की फील्ड में, आप जो है अपना इसमें करियर बना सकते हैं, यानी कि स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो आप इसमें यदि आप PGDCA अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाती है। तो साथियों PGDCA को लेकर मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।